दोस्तों जब भी कभी हम इस नाल के अंदर शटल या रिंग बदलते हैं ना, जैसे कि देखो ये शटल है और ये रिंग है, तो दोस्तों जब हम इसे बदलेंगे तो बदलने के बाद हम इस नाल को लगाते हैं तो शटल आवाज़ करता है। तो आवाज़ क्यों करता है दोस्तों, आज मैं वो बताऊँगा। और दोस्तों ये जो कैरियल है हमारा, दोस्तों ज़्यादातर अगर जैसे पुराना तो लगा हुआ ही रहता है ये मशीन के अंदर, लेकिन जैसे नया लगाते हैं तो उसकी पिले कैसे बनाते हैं, अगर के कम पिले है तो ज़्यादा कैसे करते हैं, ज़्यादा पिले तो कम कैसे करते हैं। और दोस्तों अगर ये पुराना होता है, इसमें ज़्यादा अगर हम पुराने केरियल के अंदर जो हम नया शटल लगाते हैं ना नया, तो उसमें शटल में फ़र्क होता है, तो उसकी वजह पिले ज़्यादा ही बताती है और कम भी बताती है केरियल की पिले दोस्तों। तो आज मैं आपको यही सब बताने वाला हूँ बहुत डिटेल के साथ में। तो डिटेल के साथ में बताने के से पहले दोस्तों मैं ना आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, भाई साहब ने क्या करा है, शटल तो लगाया लेकिन शटल आवाज़ कर रहा मशीन, तो आप उसकी वीडियो देखते हैं पहले। गैपिंग भी, गैपिंग भी, इधर भी गैपिंग सही है, इधर भी गैपिंग सही है और इधर भी गैपिंग सही है। ये आवाज़ सुना दे रहा, ये देखिए दोस्तों, देखा आपने उनकी मशीन में जो आवाज़ आ रही थी शटल की, वो इसलिए आ रही थी कि देखो इन्होंने जो पिले ना, यहाँ पे जो पिले होती है ना दोस्तों, ये वाली जो पिले होती है इन्होंने ज़्यादा कर रखी थी, ऐसे ऐसे करके ज़्यादा पिले करने से भी आवाज़ आती है। तो मैं आपको ये बताता हूँ ये पिले कम कैसे होती है और आवाज़ कैसे सही करते हैं। दोस्तों ये पुराना जो केरियल होता है ना, इसको सेट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि ऑलरेडी सेट होता है, लेकिन मान लो अगर आपको नया केरियल डालना पड़ जाए तो आप कैसे सेट करोगे, तो आज मैं आपको शुरू से ही बताता हूँ कि केरियल कैसे सेट होता है। दोस्तों इस नाल के अंदर जो है ना, सबसे ज़्यादा जो काम करता है वो केरियल का ही काम होता है, तो केरियल के अंदर जो पिले ना वो सही होनी चाहिए। तो मैं आपको शुरू से ही बताने वाला हूँ कि केरियल लगता कैसे है, इसके अंदर पिले कैसे होती है, सेट कैसे होता है दोस्तों। तो चलते फिर आगे। दोस्तों हम कभी भी नया केरियल लगाएंगे ना, तो देखो शटल के ये ना, ये या तो ये ऊपर को आएगा है ना यहाँ पे, या ये यहाँ आएगा, या फिर दोस्तों देखो ये यहाँ पे भी आएगा, या फिर ज़्यादा नीचे को आएगा। तो दोस्तों देखो अगर ये ऊपर आता है तो ऊपर से कैसे मोड़ते हैं नीचे को लेने के लिए, और नीचे आता है तो नीचे से कैसे मोड़ते हैं, ठीक है। एक मैं आपको ये बताने वाला हूँ। और दोस्तों मैं एक बात और समझ लो, देखो ये जो शटल का जो कोना है ना, और ये जो हमारी केरियल का जो कोना है दोस्तों, ये बिल्कुल इसके बीच में आना चाहिए, बीच में, ज़्यादा ऊपर नहीं जाए, ज़्यादा नीचे नहीं जाए, ठीक है, ये एक बार बीच में रखेंगे। तो दोस्तों ये कैसे करते हैं तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ, अगर ये ऊपर नीचे का समझा देते हैं। तो दोस्तों देखो अगर ये नीचे जा रहा है ना, शटल के नीचे जा रहा है, शटल ऊपर आ रहा है, यानी कि दोस्तों देखो इस तरीके से ये जो शटल है ना हमारा, इस तरीके से लग रहा है ये ऊपर आ रहा है ना, ये कैरियल नीचे जा रहा है, तो इसको कैसे उठाएंगे ऊपर, दोस्तों देखो यहाँ पे पिक्सल लगाएंगे, ऐसा ऊपर को उठा देंगे, ठीक है। और अगर ये ऊपर आ रहा है तो नीचे करना, तो दोस्तों यहाँ से हथौड़ी से मार के आप कर लोगे, ठीक है दोस्तों, ऐसे ही देखो इस इधर का कर लेना आप दोस्तों, ऐसे ही हमारा ये वाला होगा। अगर ये नीचे जा रहा, नीचे है, नीचे ऊपर आ रहा है तो ऊपर से करेंगे, और नीचे जा रहा है तो नीचे से ऐसे ऊपर को उठा देंगे। सबसे पहले तो ये काम करेंगे, तो हमने नाल लगा दी इसके अंदर, ठीक है, और ये कहीं पे भी पिले नहीं बता रहा, ना ऊपर बता रहा ना नीचे बता रहा, ठीक है। अगर हमने ये सेट करने के बाद में दोस्तों क्या करेंगे, जब पिले नहीं बताएगा तो हम क्या करेंगे, देखो दोस्तों यहाँ पे ऐसे लेके और यहाँ इस तरीके से हल्का सा ऐसे मार देंगे, तो ये याद दोस्तों पीछे को हट जाएगा, ये सब जगह पिले बताने लगेगा, ठीक है। दोस्तों इससे आगे का काम क्या है वो मैं बताता हूँ दूसरी मशीन के अंदर। अब बात करते हैं देखो इसकी, जैसे कि मान लो ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो हम देखो ऊपर जाएगा ना, तो हम प्लास से इस तरीके से इसे नीचे कर देंगे, ऐसे इस तरीके से नीचे को कर देंगे, ऐसे नीचे को, है ना। और दोस्तों अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, ये जो है नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हथौड़ी से जो है ना ऐसे ऊपर को हम इस तरीके से उठा देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से ये वाला कर लेना, तो दोस्तों इसी तरीके से आप ये वाला कर लेना, दोनों जो है ना इस तरीके से होंगे। सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि ये जो है ना हमें बीचों बीच में आना चाहिए यहाँ पे, दोस्तों ये जो हमारा ये जो कोने होंगे ना हमारे शटल के बीचों बीच में आना चाहिए यहाँ पे, और ये यहाँ पे इसके बीच में आना चाहिए, सबसे पहला काम तो ये है। और दोस्तों अगर हमारे केरियल के अंदर ज़्यादा पिल होगी तो देखो हम जो है ना इसको ऐसे यहाँ से चोट मारेंगे ना, इसको ऐसे, तो ये जो है ना चौड़ा होकर इसकी पिले कम हो जाएगी दोस्तों, जब हम इसे ऐसे चौड़ा करेंगे ना पीछे से, तो दोस्तों ये जो है ना ज़्यादा नीचे को आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे मोड़ लेंगे। तो आप देख सकते हो मैं कैसे मोड़ रहा हूँ, और दोस्तों आप भी इस तरीके से पिले कम कर लेना, अगर पुराने केरियल में अगर ज़्यादा पिले होगी तो आप जो है दोस्तों यहाँ से चोट मार के आप कम कर लोगे, ठीक है। दोस्तों अब हमें ये पता कैसे लगेगा कि ऊपर नीचे कैसे उठेगा, हम कैसे पता लगेगा मतलब कि ये वाला ऊपर उठेगा या नीचे उठेगा, कि तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से हम नाल लेंगे और नाल लगा के इस तरीके से हम देखेंगे दोस्तों, सुराख से सुराख इसके मिला देंगे। मिलाने के बाद देखो दोस्तों, अब मैंने जैसे ये देखा है ना वाला जो कोना ना, ये हमारा शटल के नीचे है, देखो देख सकते हो आप यहाँ से, ये शटल का जो कोना है ऊपर जा रहा है और ये हमारा केरियल नीचे जा रहा है, तो हम ऊपर उठाएंगे, उठाएंगे कैसे अभी और बताता हूँ। तो दोस्तों देखो मैं यहाँ ये पेचकस लगा रहा हूँ और इसे मैं हल्का सा मैंने इसको ऊपर उठा दिया दोस्तों इस तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों मैं दोबारा लगाऊंगा, दोबारा लगा के फिर चेक करूंगा, अगर ज़्यादा ऊपर हो गया होगा तो दोस्तों फिर मैं इसे नीचे इस तरीके से हथौड़ी मार के नीचे करूंगा, तो चेक करते हैं पहले।
तो दोस्तों देखो ये हमारा ऊपर वाला तो हमने बिल्कुल सीधा कर दिया, लेकिन अब ये नीचे वाला है ना शटल के नीचे लग रहा है। आप देख सकते हो कि ऊपर कितनी जगह है इसमें यहाँ पे, और ये नीचे ही लग रहा है, तो इसे मैं ऊपर उठाऊंगा। तो दोस्तों देखो ये मैं ऐसे हथौड़ी से ऐसे ऊपर उठा दूंगा। अब मैं नाल लगा के देखता हूँ। तो दोस्तों देखो ये मैंने ये वाली साइड और ये वाला कोना, ये वाला दोनों कोने मैंने इसके सही कर लिए, ठीक है। ये शटल के बीचों बीच में कोने। अब मैं जैसे दोस्तों मैं इसकी पिले देखता हूँ, तो ये पिले नहीं है, इसके अंदर जाम बता रहा है। तो दोस्तों मैं इसके पिले करने के लिए यहाँ पे चोट मारूंगा इसमें। तो दोस्तों देखो मैं यहाँ पे इसमें चोट मार रहा हूँ, इस तरीके से इसको नीचे कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप भी इसी पिले बनाने के लिए इसके हम नीचे करते हैं, तो आप भी इसी तरीके से कर लेना। तो दोस्तों देखो जैसे मैंने मारा था, आप देख सकते हो इसमें पिले हो गई है। अगर दोस्तों ये ज़्यादा पिले हो जाएगी तो मैं आपको ये और बता देता हूँ कि कब कैसे करेंगे। तो दोस्तों देखो इसी तरीके से मैं ऐसे हथौड़ी से ऐसे कर दूँ ऊपर को, लेकिन आप कोशिश ये करना दोस्तों कम कम चोट मारें आप, ठीक है। कम कम चोट मारोगे तो ज़्यादा पिले नहीं होगी। तो अब मैं इसे दोबारा चेक करता हूँ लगा के। तो दोस्तों देखो इस तरीके से पुरानी मशीन में मैंने आपको बताया है कि ये देखो पिले इस तरीके से बनती है इसमें, है ना। और देखो अगर ज़्यादा हो जाएगी तो क्या करोगे आप, नीचे से यहाँ पर इसको बड़ा कर लेना, ठीक है दोस्तों। और देखो ये हमारे कोने बिल्कुल बराबर होने चाहिए, ये ना उधर जाए ना आगे जाए ना पीछे जाए, समझ दोस्तों, ना के ऊपर को जाए ना नीचे को जाए, बिल्कुल सेंटर में हो, जिससे नाल में भी ना लगे और शटल के ऊपर नीचे भी ना जाए। दोस्तों देखो इस तरीके से ये चारों तरफ इसमें पिले भी बन गई है दोस्तों। तो अब मैंने आपको पुरानी मशीन बताया कि ये देखो पिले ऐसे बनती है, लेकिन नई मशीन का थोड़ा सा तरीका अलग होता है। जैसे कि ये जो हमारी कैरियर की पत्ती लग रही है दोस्तों, इसके अंदर हम जंप करेंगे तो जिसके 19-20 ज़्यादा भी होंगे ना पिले, जैसे दोस्तों देखो ये पिले मेरी ज़्यादा है इसके अंदर, है ना। तो जब हम यहाँ जंप करेंगे तो जंप करने से पिले कम भी हो जाएगी। और दोस्तों अगर ये ऊपर इस तरफ जो बता रही है ना ज़्यादा, ये देखो इस तरफ जो ज़्यादा हमारी पिले बता रही है, तो ये कैसे कम करते हैं ये मैं नई मशीन में आपको बताऊंगा, और उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलते फिर आगे। दोस्तों कभी भी आप शटल और रिंग लगाओगे ना, तो ये हमारा शटल नाल के अंदर इस तरीके से बिल्कुल फ्री होना चाहिए, ठीक है। और जब भी हम इसकी कभी पिले चेक करेंगे ना दोस्तों, तो नाल को कस के ही करेंगे। तो आप सोचो ऐसे लगा कर दूँ, ठीक है, ऐसे नहीं करना दोस्तों। सबसे पहले क्या करोगे आप, देखो जैसे मैंने कस रहा हूँ ना, तो सबसे पहले हम नाल को बिठाएंगे, बिठाने के बाद में पेच कसेंगे। तो बिठाते कैसे हैं दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। देखो जब भी कभी आप जैसे पुरानी मशीन बनाते हो, पुरानी मशीन में क्या होता है कभी कभी ये कटर होता है ना हमारा, एक कम लगा हुआ होता है। तो दोस्तों ये जो हमारा जो है ना नाल की जो झीरी है ना, ये हम घिस लेते हैं, ठीक है। ये कब घिसेंगे दोस्तों, जब हम नाल ऐसे बिठाएंगे और नाल हमारी बैठेगी नहीं, है ना। जब हमारी नाल ऐसे बैठेगी नहीं तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो है ना ये झीरियाँ मेरी ये घिस देंगे हम इस नाल की झीरियाँ घिस देंगे। मैं आपको घिस के बता दूँ झीरी घिसती कैसे। तो दोस्तों देखो नाल को ऐसे बांध लेंगे और यहाँ से पेचकस से ऐसे देखो ऐसे करके हम घिस देंगे इसको, है ना। ये कब होगा वैसे ऐसा आता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये कभी कभी मोटे भी होती हैं, ये तो चौड़ी ज़्यादा होती है तो नाल बैठती नहीं है। तो बैठने के लिए हम सबसे पहले यही काम करेंगे अगर ना बैठी होगी तो। और दोस्तों देखो अगर ये अगर नाल इसके अंदर आ रही है ऐसे, है ना, ऐसे नाल आ रही है और मान लो ढीली है, तो देखो मैं आपको दोनों तरीके से रास्ते बता देता हूँ दोस्तों। ये जो है ना ये वाला हिस्सा जो हमारा हथौड़ी से मार के हम इसे टाइट कर लेंगे, तो मैं आपको टाइट करना और बता देता हूँ। तो दोस्तों देखो ऐसे करके एक हथौड़ी में यहाँ मारूंगा, एक हथौड़ी में यहाँ मारूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो, देखो ये ज़्यादा नहीं दबाने होते इसको, एक हथौड़ी यहाँ मार दो एक यहाँ मार दो, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल टाइट बैठने लग जाएगी। तो दोनों तरफ से आप यहाँ पर भी मार सकते हो और यहाँ पर भी मार सकते, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जब ये टाइट एकदम फिक्स बैठ जाएगी तो इसके अंदर हम पेच लगा के इसकी पिले विले सब चेक करेंगे। दोस्तों देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, देखो हमारा जो कैरियल के जो कोना है ना, ये देखो ना तो के ऊपर लगे और ना ही के नीचे लगे, ठीक है। और देखो बीच में आ रहा है, ना। तो इस तरीके से आप भी रखना, मैं दूसरी तरफ को और दिखाता हूँ। देखो दोस्तों ये दूसरी तरफ का भी ऐसे ही, ना तो ये नीचे जा रहा है ना ज़्यादा इसके ऊपर आ रहा है। तो सबसे पहले हमें जो काम करना है ना, इसका जो सेंटर है ये मिलाना। अब हम इसकी पिले देखेंगे दोस्तों, अब हम इसकी पिले चेक करेंगे। तो दोस्तों देखो मैं इसकी पिले चेक कर रहा हूँ, देखो दोस्तों इसमें ना पिले ज़्यादा है, ठीक है। और देखो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे भी, यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ। देखो नीचे इधर भी देखो 19-20 बता रहा है, इससे ज़्यादा जो हमारी नीचे की पिले बता रहा है दोस्तों। तो हम इसकी पहले सबसे पहले आपको यही बताएंगे कि नीचे की पिले कम कैसे करते हैं। दोस्तों इस कैरियल के अंदर जो पत्ती लग रही है ना, इसके अंदर जंप नहीं था, तो हमने जंप करने के लिए क्या करेंगे, एक सुई को हम इसके अंदर लगा देंगे दोस्तों, और ऐसे ही पेचकस से हल्का सा इसको ऊपर उठा देंगे थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से। तो इसके अंदर दोस्तों जंप आ जाएगा, तो जंप होना जरूरी है, थोड़ा सा जंप करना जरूरी है। अगर जंप रखोगे ना दोस्तों इसके अंदर आप, तो शटल जो है ना बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसके पत्ती को ऊपर खींच देना दोस्तों, हाथ से भी खींच सकते हो आप और इसे पेचकस से भी आप हल्का सा खींच सकते हो, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप जंप कर लेना इसके अंदर। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ इसकी पिले कम हुई है नहीं हुई है।
तो दोस्तों देखो मैं आप देख सकते हो पहले से कितनी कम इसके अंदर पिले रह गई है, ठीक है। तो जंप होने से दोस्तों एक तो ये फ़ायदा है कि शटल आवाज़ नहीं करेगा, और 19-20 के अंदर जंप रखना आप तो, ठीक है। दोस्तों देखो इधर भी हमारी जितनी इधर है हमारी ये पिले, इतनी ही हमारी पिले दोस्तों इधर हो गई है, ठीक है। तो देखो ये पिले तो हमने ऐसे कम कर ली, ठीक है। अब हम जो है ना दोस्तों ये वाला और बताते हैं कि ये देखो ये पिले देखो कितनी है, ठीक है। ये पिले कम करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, अब देखो दोस्तों इस पिले को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पेच खोल के इस गोले रेती लगाएंगे हम ऊपर की तरफ, तो थोड़ी सी नाल हमारी नीचे को सरक जाएगी, तो ये जो है ना पिले इस तरीके से कम हो जाएगी। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। तो दोस्तों देख लो मैंने नाल को किस तरीके से बांधा है, देखो इस वाले नीचे वाले हिस्से में मैंने नाल को बांधा दोस्तों, और देखो इसको ऐसे गोले रेती से मैं ऊपर को घिसूंगा ऊपर को, तो ये जो है ना थोड़ी सी नीचे सरक के आ जाएगी, तो ये पिले कम हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमें ये दोनों तरफ से यहाँ पे घिस देनी है। तो दोस्तों चेक कर करके आप घिस लेना कितनी घिसनी है आपको। तो दोस्तों देखो मैंने एक नाल घस दी और आप देख सकते हो देखो कितनी कम पिले इसके अंदर हो गई। तो दोस्तों पहले इसके अंदर कुछ ज़्यादा पिले थे, और देखो अब जो है ना चारों तरफ से बराबर पिले हो गई है। तो ये इसका तरीका दोस्तों पिले कम करने का। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ दोस्तों, जैसे कि देखो अब हम यहाँ चेक कर रहे हैं इसको दोस्तों, मान लो अगर हमारी इस तरीके इस साइड से जो है ना इस साइड से पिले ज़्यादा बता रही है, तो इसको कम कैसे करेंगे दोस्तों, देखो मैं इसका भी आपको तरीका बताता हूँ कि नाल है ना हमारे हमारी थोड़ी सी इधर को सरकी जाएगी इधर को, तो इधर को कैसे सरकाते हैं ये और देख लो आप दोस्तों। देखो इस पोजीशन में आपको नाल को बांधना है, ठीक है। बांधने के बाद में देखो यहाँ से पेचकस लगाओगे इस तरीके से, यहाँ से घिसोगे जितना आपको ले कर सरका जाना है उसी हिसाब से यहाँ से घिसना है, ठीक है। तो देखो देख लो मैंने कैसे बांधा, क्या कहो ये नाल किस तरीके से बंध रही है अगर हम इधर को सरकाएंगे तो यहाँ से आप घिस देना, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे ना हथौड़ी से आप हल्का से हथौड़ी ऐसे यहाँ पे ना थोड़ा सा यहाँ से दबा देना, जिससे कि नाल हमारी ज़्यादा ढील हो जाए। तो दोस्तों जब यहाँ से हम दबा देंगे इस साइड से तो ये टाइट भी रहेगी और ये इधर भी चली जाएगी, और मैं आपको दिखाता हूँ लगा के। और दोस्तों देखो अगर इस साइड में पिले ज़्यादा बता रहा कैरियल, तो देखो हम नाल को फिर इधर सरका देंगे। तो इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि इधर कैसे सरकाते हैं, अब देखो मैं इधर बताऊँगा इधर कैसे सरकाते हैं। तो दोस्तों देखो सेम मैंने ये ना साइड मैंने पलट दिए, और देखो इसी तरीके से हमें इधर का घिसना है इस तरीके से। जब यहाँ से हम घिस देंगे ना इस तरीके से, तो दोस्तों की हमारी नाल इधर को सरक जाएगी, तो हमारी जो पिले उधर की कम हो जाएगी। और दोस्तों एक बार ये वाला हिस्सा मैं थोड़ी से हल्का सा दबा देंगे, तो देखो इस तरीके से जो ना ये देखो नाल को मैं इस तरीके से इधर करके नाल को टाइट कर दूँगा दोस्तों। ये इधर सरकाने का है, और जो इससे पहले बताया था वो इधर सरकाने का था दोस्तों। अगर हमारी जैसे ऊपर की पिले बताती है ना, तो हमें नीचे कर लेंगे ऐसे, है ना, तो वो नीचे आ जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों इसकी जो है ना पिले बनाई जाए। दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए जो है ना देखो तरीका बता दिया। देखो मैंने जो इसकी नाल की जो पिले बनाई थी ना, तो वो इसी तरीके से बनाई थी। देखो अब मैंने आपके सामने बताया था कि इसके अंदर जंप होना चाहिए, है ना, और देखो यहाँ ये ऊपर जाती थी तो मैंने इसको नीचे कर दिया। अगर ये पहले क्या था दोस्तों, इसको ना मैंने इधर को सरका, अगर ये इधर कम होती तो मैं इधर सरकाता, अगर इधर होती तो इधर सरकाता, जैसे मैंने आपको बताया। तो दोस्तों देखो इसकी जो ना मैंने जो सेट करी थी वो ऐसे ही करी थी। तो दोस्तों देख सकते हो आप इस तरीके से जो है इसकी पिले बना लेना, और ये जंप होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों अब मैं आपको एक पॉइंट की बात और बता देता हूँ, जैसे कि देखो मैंने आपको नाल रगड़ना बताया ना यहाँ से, या यहाँ से बताया, तो जैसे मान लो अगर हमें ये इधर सरकानी है इधर सरकानी है, ठीक है, तो मान लो जैसे मैंने इधर को बताया आपने, है ना, मैंने इधर का रगड़ दिया, ये जो मैंने आज जो आपने देखा ना कि मैंने रगड़ा ऐसे और मैंने यहाँ चोट मारी है, तो दोस्तों ये जो चोट मारी है ना कि कैसे चोट मारते हैं ये और समझ लो आप। तो दोस्तों देखो ये जो ना इस तरीके से मैं इस साइड में दबाऊँगा सब की तरफ, दो तीन चोट यहाँ मारूँ दोस्तों, और दो तीन चोट मैं यहाँ मारूँगा दोस्तों इस तरीके से, दो तीन चोट यहाँ पर, दो तीन चोट इधर, और दोस्तों ये इधर अपनी तरफ यानी इस साइड में इसे गिरा के हमें चोट मारनी है टेपर में, ठीक है दोस्तों। ये इसका तरीका है, और आप भी इसी तरीके से टेपर में इधर मारना जब ये आपकी जो है इधर या इधर सरकेगी, ठीक है। और आगे का काम बताता हूँ आपको। आप दोस्तों नाल लगाने के बाद ये 19-20 अगर ये लगता है कि आपको सरकी नहीं है, तो आप क्या करोगे ऐसे पेचकस या किसी भी चीज़ से आप इसे नाल को इधर सरका लेना इस तरीके से हथौड़ी से मार के। अगर आपको इधर सरकानी है तो इस तरीके से इधर भी आप सरका सकते हो दोस्तों। ये जो कमी आती है ना, कि इसलिए होता है कि बॉडी में ना कोई कमी, बॉडी की कमी के होने की वजह से पंगा आता है इसके अंदर। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जैसे देखो ये कैरियल हमारा इधर है, तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये जो ना इधर की ठीक होगी पिले इधर को आएगी, तो इधर की ठीक होगी तो इधर आएगी। तो आप जो ना अगर दोनों तरफ अगर पिले बराबर आ रही है, तो दोनों एक तरफ है ना इसकी पिले सही कर लेना दोस्तों, यानी कि एक हिस्सा इसका सही कर लेना, जो नाल आप एक तरफ सरका के इसे लगा दो। तो दोस्तों ये इसका तरीका है, तो आप भी इस तरीके से लगा लेना। ये मशीन यहाँ से धागा कैसे काटती है उसके बारे में बताता हूँ।
दोस्तों देखो रिंग या शटल कभी आप बदलोगे तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखो इस पत्ती से अंदर जो ना हमारी रिंग होनी चाहिए, यहाँ पे 19-20 यहाँ पर जगह रहनी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जब भी कभी आप ये रिंग बदलोगे ना तो इसके अंदर है ना खराश नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर खराश होगी तो यहाँ से धागा रपट के चलता है तो मशीन यहाँ से धागा काटेगी, ठीक है। दोस्तों जब भी आप ये शटल बनाओगे ना तो इसकी जो नोक है ना बिल्कुल पैन ही कर लेना रेग माल मार के। दोस्तों ये आप रेती भी लगा सकते हो, 4 इंची रेती भी लगा सकते हो इस तरीके से, बिल्कुल जितना आप नुकीली ये नोक बनाओगे ना दोस्तों इतने ये सही रहेगा। चीज़ जो है ना रेगमाल मार के उसको पॉलिश कर लेना दोस्तों, अगर आपने इस पर खराब छोड़ दी तो मशीन यहाँ से भी धागा काटेगी। दोस्तों मैं आपको एक और तो ये जो पत्ती लग रही है ना केरियल की पत्ती, इस पत्ती के अंदर जब ये जो हमारे केरियल के अंदर जब पत्ती लगेगी दोस्तों तो जो पेच लगते हैं ना उसके अंदर ना थोड़ी सी वो होते हैं खराश सी होती है, तो हमें रेगमाल से ना सब पॉलिश कर देनी है। दोस्तों ये जो ना यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ पे कहीं पे भी खराश नहीं होना चाहिए, आप है ना इसे पॉलिश कर देना दोस्तों। अगर आपने खराश छोड़ दिया तो आपकी मशीन यहाँ से भी धागा काटेगी, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं शटल की आवाज़ की, तो 19-20 अगर इसमें आवाज़ होगी तो दोस्तों उसको भी हम बताते हैं उसका क्या तरीका होता है आवाज़ बंद करने का। तो दोस्तों देखो मैं मशीन घुमा रहा हूँ, बिल्कुल 19-20 इसके अंदर आवाज़ आ रही है दोस्तों, तो इसकी भी आवाज़ बता रहा हूँ। देखो दोस्तों मैं उंगली का इशारा दे रहा हूँ इधर को, तो ऐसा आवाज़ दी हल्का सा इशारा दिया ना मैंने, तो दोस्तों देखो यहाँ पे इसमें हल्की सी चोट लगेगी, यहाँ पे हथौड़ी से ऐसे चोट मार देना हल्की सी। तो जब यहाँ पे आप हथौड़ी से ज़्यादा जोर से चोट मार दी दोस्तों तो ये नाल टूट जाएगी, आप हल्की सी चोट मारना हल्के से इशारे पर। और दोस्तों इसका दूसरा तरीका बता रहा हूँ, देखो दोस्तों ये जो है ना नाल इस तरीके से नाल होती है, तो देखो ये जो इसकी ये ना ये वाली इस साइड है जो इसकी साइड है थोड़ी थोड़ी सी हमें घिसनी होती है, तो आप ये साइड अभी घिस के इसके अंदर लगा देना। तो दोस्तों अब ये इसका दो तरीके होते हैं आवाज़ बंद करने के, तो दोस्तों मैंने इसकी साइड भी ऐसी घिसी, मैं आपको साइड घिस के बताता हूँ अब। तो दोस्तों देखो इस तरीके से इसकी साइड ऐसे घिसनी पड़ती है यहाँ से लेके यहाँ तक, बस इतनी घिसना दोस्तों। देखो मैंने कहाँ तक घिसी है, यहाँ तक घिसी है, यानी कि सपोर्ट के ऊपर है दोस्तों। अगर आपकी सपोर्ट ज़्यादा जोर ज़्यादा मांग रही है तो ज़्यादा घिस देना थोड़ी थोड़ी ऐसी दोस्तों, ये देखो इधर से घिस देना दोनों तरफ से, हमें ये जो ना यहाँ से ऐसे ये हमारी नाल घिसी जाएगी दोस्तों। ये दो तरीके होते हैं इसके, दोनों साइड पर आप हल्की हल्की सी ये इस तरीके से रेती लगा देना कि इसकी आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये इसका सबसे अच्छा तरीका है, दोनों तरीके हैं दोस्तों, और इसी तरीके से दोस्तों इसकी आवाज़। तो दोस्तों देखो अब मैं इसकी आवाज़ सुनाता हूँ कि शटल आवाज़ करता है या नहीं करता है। तो दोस्तों देखा आपने मशीन के अंदर किसी और की आवाज़ है लेकिन शटल की आवाज़ नहीं है, यानी कि नाल में आवाज़ नहीं है। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से नाल की आवाज़ बढ़ाना दोस्तों, जितना हो सके इतनी पिले कम करके रखना आप कैरियल की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।